अगर कोई जल जाए उबलते पानी से, चाय से, दूध से, तेल से, केमिकल से, माचिस की तीली से, दिए से, कैसे भी आग से अगर कोई जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है। और वो तकलीफ बिल्कुल अनबेरेबल होती है, चाहे वो इतनी हो चाहे इससे ज्यादा हो। जब इतनी होती है तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, थोड़ी सी होती है लेकिन जलन तो होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है तो वो तो फिर बिल्कुल प्राण ले लेती है, बिल्कुल प्राण ले लेती है, और उसको ठीक होने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर कभी कोई आपके आसपास, या भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आपके किसी प्लैनेट्स की वजह से आपको इस तरह की कोई चीज फेस करनी पड़ी, यानी कि जलने की, अगर आप जल रहे हैं, जल गए हैं, अब उस वक्त आपने जल्दी से पानी भी डाल लिया और आपने दवाई भी लगा ली, आपने पेन किलर्स भी खा लिए, उस वक्त तो आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो फफोले के रूप में आने लगते हैं, वो जलने के बाद भी, जलने का जो एक पेन होता है ना, वो जलन वो बहुत टाइम तक रहती है ना, बहुत टाइम तक रहती है। अब उससे कैसे निजात पाया जाए? देखिए, मेडिकेशन कर रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, बैंडेजेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करना है सब कुछ कर रहे हैं, अब उस जलन से कैसे निजात पाए? तो उसके लिए मैं आपको एक स्विचवर्ड फ्रेज देने जा रही हूँ, और इसको मैंने अभी पिछले दिनों खुद इस्तेमाल किया है, अपने लिए बनाया था, अपने लिए फ्रेम किया था, क्योंकि मेरे ऊपर पूरी एक कप चाय गिर गई थी, और वो जो चाय गिरी थी उसने मुझे सेकेंड डिग्री बर्न दिया, सेकेंड डिग्री बर्न दिया। और जो है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पा रही थी, क्योंकि जब शरीर के किसी भी हिस्से में कुछ तकलीफ हो तो उस वक्त हम लोग जो टैरो रीडर्स हैं या जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं या ऑकल्ट हैं, वो उस वक्त सर्विसेज नहीं देते, कम से कम देते हैं जब उनको वो तकलीफ ना हो, पर उन दिनों तो नहीं देते, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होता है कि हम लोगों की एनर्जी भी कम होती है, हम दूसरों को एनर्जी दे देते हैं रीडिंग करके, तो हमारे पास खाली हो जाता है पिटारा, उसके बाद फिर हम लोग बीमार पड़ने लगते हैं और इस तरह से साइकिक अटैक्स होने लगते हैं। जरूर मैंने अपना ऑरा क्लियर नहीं किया होगा कोई रीडिंग करने के बाद, और कोई ना कोई रीडिंग बड़ी की होगी, मतलब किसी मेजर इशू को लेके, है ना, तो वो ऑरा हीलर्स का जो है अट्रैक्ट कर लेती हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, और उससे क्या होता है, कई बार हमको प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ भी हुई, अब तो मैं ठीक हो रही हूँ, अब तो मैं बहुत बेहतर हूँ, अब तो हो गए मेरे को 13 डेज अराउंड हो गए, तो अब तो मैं ठीक होने के उस पे हूँ, इसलिए मुझे लगा कि ये स्विच वर्ड फ्रेज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसको आप जरूर से यूज करिएगा, या अगर मतलब आई डोंट मीन दैट वे कि आप जरूर से यूज करिएगा, या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, आई विश आपको कभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपके आसपास कभी किसी को कुछ हो जाती है तो इसको जरूर याद रखिएगा कि जलने के बाद, जब जल गया आप तो कुछ नहीं कर सकते, अब आपको क्या करना है, आपको चैंट करना है, एक स्विच वर्ड फ्रेज चैंट करना है, जो कि मैंने इंस्टेंट बनाया था अपने लिए उसी वक्त, उसी के वजह से मैं इतनी जल्दी हील हो गई हूं, ठीक है? और वो स्विच वर्ड फ्रेज आप लिख लीजिए, एक पेपर पेन ले आइए और उस पे आप लिख लीजिए, रीच सिल्वर कूल मिंट, रीच सिल्वर कूल मिंट,
रीच सिल्वर कूलमिंट। रीच सिल्वर कूलमिंट को आप जितनी बार चाहे चैंट कर सकते हैं, जितना चैंट करेंगे आप जो जगह है आपकी जली हुई है उसके ऊपर अपना ये हाथ हल्का सा रख दीजिए, हल्का सा हाँ, और इसको रीच सिल्वर कूलमिंट, रीच सिल्वर कूलमिंट इसको चैंट करना शुरू करिए 108 बार। तो जरूर अगर आप गिन के ही करना चाहते हैं तो 108 बार जरूर करिएगा, अदरवाइज आप अबंडेंटली भी कर सकते हैं बिना गिने, क्योंकि जब हम चाहते हैं भगवान हमारी अनगिनत इच्छाएं बिना गिने हमें देती रहें, तथास्तु करते रहें, हमारी मन की मुराद पूरी करते रहें, तो हम क्यों जाप करते हैं गिन के, सोच के देखिए, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको गिन के करना है तो 108 से कम तो बिल्कुल मत करिएगा, और उसको कहीं ना कहीं आप लिख लीजिए, क्या, रीच सिल्वर कूलमिंट, रीच R E A C H, सिल्वर S I L V E R, कूल C O O L, मिंट M I N T। प्लीज ये मत कहिएगा कि स्क्रीन पे भी लिख दीजिए, नहीं कर पाऊंगी प्लीज, मैं रीडिंग्स ही कर देती हूँ समय निकाल के, तो प्लीज उसी को बहुत समझा करिए, ठीक है। तो इसको आप करिए और कहीं पे नोट कर लीजिए, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, और कभी किसी को जरूरत पड़े तो उसके साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक। ये था हमारा एक मैजिकल स्विच वर्ड फ्रेज, आई होप ये आपके काम आएगा। अभी के लिए मुझे आके दीजिए, फिर मिलते हैं जल्दी, बाय, टेक केयर।